नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मनपा ने बड़े जोर और शोर से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की थी, जो अब पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चल रहा है। वैक्सीन की कमी की वजह से हफ्ते में चार चार दिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़ रहे हैं, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल के पास स्टॉक है तो मनपा के पास स्टॉक क्यों नहीं है। इसी असुविधा को देखते हुए नागपुर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम ने आम जनता के साथ भेदभाव व अन्याय को देखते हुए अनोखे अंदाज में लॉलीपॉप बांटकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वसीम खान ने कहा कि मनपा जनता को वैक्सीनेशन के नाम पर लॉलीपॉप देना बंद करे और जल्द से जल्द मनपा वैक्सीनेशन सेंटर में कोविशील्ड का स्टॉक मुहैया करवाए, वरना नागपुर महानगर पालिका के विरोध में तीव्र आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट, फिरोज खान, राजा चिलाटे, सरफराज खान, शेख शनवास, सैफ अली जिशान खान, सागर कार्ती, राजू, हबीब शेख, मदन लाल गौर व आदि उपस्थित थे। BCN न्यूज के लिए क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।